नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान नगराड़े। आप देख रहे हैं 16 फरवरी 2022 के मुख्य समाचार। खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में एक G20 सचिवालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा ट्रेजरी अवैध निकासी केस में CBI की विशेष अदालत ने लालू यादव को दोषी करार दिया। 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित करेंगे। पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की कल रात हरियाणा के सोनीपत में सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई। लाल किला हिंसा में थाना। प्रतिष्ठित बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का कल रात दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर सुर्खियों में आई। ABG शिपयार्ड मामले में CBI ने ऋषि अग्रवाल समेत 8 अन्य लोगों पर लुकआउट नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विधानसभा में 8 मार्च को बजट पेश करेगी। पहली बार चाइल्ड बजट भी होगा प्रस्तुत। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर पप्पी लहरी का मंगलवार रात 11 बजे 59 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित क्रिटी केयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। म्यूजिक इंडस्ट्री में पप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता था। पप्पी लहरी अपने म्यूजिक के साथ साथ सोना पहनने के अंदाज को लेकर भी प्रचलित थे। वहीं संत रविदास जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे दिल्ली के करोल बाग में स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। यह जानकारी पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाऊंगा और वहां जन जन के लिए करनियाल के लिए प्रार्थना करूंगा। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज के बाद अब जल्द ही T20 सीरीज शुरू होने जा रही है। जी हां, सीरीज में 3 T20 मुकाबले खेले जाने हैं। ये सभी मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होंगे। सीरीज के पहले मुकाबले में दर्शकों की एंट्री बैन है। ऐसे में क्रिकेट फैंस इस मुकाबले को महज टेलीविजन चैनल या ऑनलाइन ही देख सकते हैं। ये मुकाबला शाम 7:30 पर शुरू होगा। मैच का लाइव प्रसारण भी आवश्यक होगा। वहीं कर्नाटक में चल रहे हिजाब प्रतिबंध मामले में हाईकोर्ट में आज 2:30 पर फिर से सुनवाई होगी। जी हां, मंगलवार को कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया था, इसलिए बेंच ने सुनवाई एक दिन के लिए आगे बढ़ा दी है। हिजाब विवाद के बीच आज से कर्नाटक के स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक स्टूडेंट्स फिलहाल धार्मिक कपड़े पहनकर शिक्षण स्थानों में नहीं आ सकेंगे। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव घिरते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा समर्थकों की शिकायतों के आधार पर असम पुलिस ने राव के खिलाफ सेना का अपमान करने, भारत विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश के लिए मामला दर्ज किया है। बता दें कि राव की टिप्पणी को भाजपा ने पाकिस्तान की भाषा बताया था। वहीं इस साल होली से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग सकती है। वजह है क्रूड ऑयल का दाम 8 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचना। बीते 3 महीने से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं। एक्सपोर्ट इसका कारण 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को बता रहे हैं। 10 मार्च को चुनाव नतीजे आते ही या उससे पहले कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपये तक बढ़ा सकती हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों को कार में से कुचलने का आरोपी आशीष मिश्रा 129 दिन बाद जेल से रिहा हो गया है। जमानत पर रिहाई के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को पिछले गेट से बाहर निकाला गया। धन्यवाद आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।